बिलासपुर में भाजपा ने JCCJ से भाजपा में शामिल हुए लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को तखतपुर विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इससे पहले धर्मजीत सिंह JCCJ और कांग्रेस की टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ते आए हैं। उनका कहना है कि भाजपा के भरोसे पर वे खरे उतरेंगे। तखतपुर से भाजपा प्रत्याशी धर्मजीत सिंह से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत ने। बिलासपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों पर अगर बात करें तो यहाँ पर 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं, उसमें एक नाम धर्मजीत सिंह का है। ये नाम चौंकाने वाला भी है क्योंकि कुछ दिन पहले ही धर्मजीत सिंह ने यहाँ पर भाजपा ज्वाइन किया है, उसके बाद तखतपुर विधानसभा से उनको प्रत्याशी बनाया गया है। धर्मजीत सिंह जी हमारे साथ हैं। धर्मजीत जी, जिस तरह से एक लंबा अनुभव आपका रहा है, कांग्रेस में आप साथ रहे, जो कि कांग्रेस के साथ रहे, अब भाजपा के साथ हैं और प्रत्याशी आपको तखतपुर से बनाया गया है, कैसे देखते हैं? दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की का सदस्य बनने के बाद मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। चुनौती के रूप में भी देखते हैं तखतपुर में, क्योंकि जिस तरह से प्रत्याशियों की सूची नहीं आई थी उससे पहले विरोध के स्वर भी वहां से उठ रहे थे, ऐसे में कैसे अब सबको साथ लेकर सामंजस्य बनाकर आगे आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? नहीं नहीं, कोई विरोध का स्वर नहीं था और मेरे बारे में तो था ही नहीं। मेरे बारे में अगर विरोध का स्वर होना होता तो आज होता। मुझे उम्मीद है कि मुझे सबका साथ मिलेगा और मैं इस चुनाव को प्रचंड वोटों से जीत करके भाजपा का विधायक निर्वाचित होऊंगा। मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार की कोई तकलीफ होगी, क्योंकि अहंकार, भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ वहां की जनता खड़ी हो गई है। धन्यवाद। तो ये थे धर्मजीत सिंह, जो तखतपुर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है जिस तरह से तखतपुर में भय भ्रष्टाचार की सरकार रही है उसके खिलाफ ये चुनाव लड़ेंगे और जनता का समर्थन हासिल करेंगे। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IFC24, बिलासपुर।